आपने हमारी कई फिल्में देखी, कई आवाज सुनी। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, महाभारत के परमवीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट अर्जुन का वंशज और क्षमा करें, महाभारत के प्रथम सम्राट अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट दिल्लीपति महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी। अभी तक आपने मेरी केवल आवाजी आवाज सुनी थी फिल्म में। आज मैं आपसे साक्षात रूबरू हो रहा हूं और मैं आगे की जो फिल्म है उसे आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक बात जरूर कहना चाहूंगा अपने बारे में। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हुए। सियाराम दो दुश्मनों के नाम और जय सियाराम दोस्तों के नाम। जय गोपाल जी की। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम आपको राहु केतु और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के विवेचन की फिल्म सीरीज का यह दूसरा भाग आपको आज यहाँ दिखा रहे हैं। आप पिछली फिल्म में केतु के छठवें और 12वें स्थान पर होने के कारण पैदा होने वाली परिस्थितियों को जान समझ चुके हैं। इसमें विस्तृत ब्यौरा आपको बता चुका हूं। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद अब आप को आगे आज राहु के बारे में, राहु की छठवीं और 12वीं स्थिति के बारे में यहां पर बताने जा रहा हूं। जब जन्म कुंडली में राहु छठवें घर में हो तो क्या असर होता है? जैसे कि भगवान श्री राम की कुंडली में राहु छठवें घर में है और केतु 12वें घर में है, जबकि श्री कृष्ण की कुंडली में ठीक उलट केतु छठवें घर में था और राहु 12वें घर में था। यहां पर भगवान श्री राम की कुंडली में राहु छठवें घर में है और केतु 12वें घर में है। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं, ये दो घर हैं जो इसमें से छठवां घर शत्रु और मामा का होता है, इसको कष्ट का घर भी कहा जाता है, और 12वां घर हानि का होता है और इसको व्यय भाव भी कहा जाता है। व्यय यानी खर्च, यानी जो चीज जाया हो जाए, नष्ट हो जाए, आपके पास होगी भी मिलेगी नहीं, या आप खत्म हो जाएगी या फिर वो खुर्दबुद हो जाएगी। 12वां घर इस बात का संकेत देता है। तो उधर केतु का विवेचन हो चुका, अब राहु का विवेचन करते हैं। तो जब राहु छठवें घर में आ जाए, यानी शत्रु और मामा के घर आ जाए,
और केतु व्यय भाव में चला जाए यानी 12वें भाव में आ जाए तब क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि पहले बता चुके हैं कि राहु के केवल सिर ही सिर है और केतु के सिर्फ धड़ ही धड़ है और उसके हाथ में मात्र तलवार, तो और ये हमेशा आमने सामने बैठते हैं। आमने सामने का अर्थ होता है पहला और सातवां घर। तो छठे का सातवां 12वां घर है और 12वें का सातवां छठा घर है। तो यहां पर जो है जब राहु 12वें घर में हो, राहु 6वें घर में हो, जैसा कि भगवान श्री राम की मैं कुंडली में था और उनकी मैं केतु 12वें घर में था, ऐसी स्थिति में कई परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। एक तो ये कि राहु जो है राजनैतिक शत्रुओं को बढ़ाता है, उसके राजनैतिक मामा ज्यादा होते हैं। तो जब भगवान श्री राम को राजगद्दी मिल रही थी और मिलते मिलते जैसे गुरु वशिष्ठ जैसे योग्यतम विद्वान और महान आध्यात्मिक गुरु कहिए, उनको तो शास्त्रों का वेत्ता, क्योंकि वशिष्ठ जी की हवन पद्धति है जो कि आज तक प्रचलित है, जितने भी हवन किए जाते हैं 16 संस्कारों में वो वशिष्ठीय प्रणाली पर ही किए जाते हैं। तो उन वशिष्ठ ने राज तिलक का सबसे सुंदर मुहूर्त शोध के निकाला था। तो उनके सुंदर मुहूर्त शोध के निकालने के बाद भी राम को वनवास हो गया, यानी वो मुहूर्त भी आप ये कहिए कि वो असफल हुआ, या आप ये कहिए कि ये विधि की लेखना थी, विधाता की लेखनी थी। तो अब इसमें आगे पहले केतु और राहु का ही हम विवरण दे रहे हैं, श्री राम और श्री कृष्ण की कुंडली का पूरा विवेचन तो फिल्म के अंत में हम बताएंगे, कुछ और लोगों का भी बताएंगे, राजनेताओं का भी बताएंगे और भी कई प्रसिद्ध लोगों का बताएंगे। तो पहले आप इसको जानिए कि राहु जब छठे भाग में आता है यानी शत्रु और मामा के घर में, तो राहु जो है बड़ा राजनीति का कारकेश होता है, कूटनीति का कारकेश होता है, विशेषज्ञ होता है। तो वह उसके शत्रु और मामा ये बड़े विद्वान होंगे, कूटनीतिज्ञ होंगे, राजनीतिज्ञ होंगे, बहुत विलक्षण और बहुत ही उच्चतम योग्य और विद्वान होंगे, इसकी ओर संकेत देता है। दूसरा उसके जो हानि भाव में यानी व्यय भाव में केतु पहुंचता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी बहस मुकदमा रोग ऋण चिंता आदि या कर्ज वगैरह जो कहते हैं इसका सामना नहीं करना पड़ता और वो हमेशा निर्णी रहता, यानी कि उस पर किसी का भी कोई कर्ज नहीं रहता। अब इनकी जो मूल विशेषताएं हैं उन पर आते हैं। तो छठवां राहु यह इशारा करता है कि शत्रु प्रबल होंगे, विद्वान होंगे, योग्य होंगे और बहुत उच्च कोटि के होंगे, लेकिन वह राहु यह संकेत देता है कि उनसे राजनीति रणनीति और कूटनीति की बहुत बड़ी बिसात बिछा करके ही जीता जा सकेगा, उनको जीता जा सकेगा, उन पर विजय पाई जा सकेगी। इसीलिए रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा परम योग्य आदमी, रावण जैसा परम शिव भक्त और हवन का प्रणेता, रावण ने पूरी एक संहिता लिखी है, तो पूरी संहिता का विद्वान यानी कि सबसे ज्यादा योग्यतम और विद्वान
रावण उनका शत्रु बना और समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि इधर राम को शनि की साढ़े साती ने घेरा तो उधर रावण को भी शनि की साढ़े साती ने घेरा। दोनों तुला राशि के थे तो राम को शनि की साढ़े साती ने जो पीड़ाएं दी, वनवास करा दिया, सीता जी का माता जी का अपहरण करवा दिया और वो पाप भी तुला राशि के व्यक्ति ने ही रावण ने किए और रावण के सारे योग्यताएं विद्वताएं और सारे धर्म आध्यात्म और सारी शक्तियों को तौल करके सिर्फ एक ही अपराध उसने ये किया कि किसी की नारी का अपहरण किया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब तुलसीदास जी ने लिखा है तृणधर ओट कहत वैदेही अधम निलज लाज नहीं तोई। यहां तक उन्होंने रावण को कहा जब विवाह के लिए प्रस्ताव रखा और रावण ने एक महीने का समय दिया कि तुम मान जाओ, नहीं मानोगी तो तुमको मार दिया जाएगा। लेकिन एक अच्छा कार्य भी किया, वो अच्छा कार्य ये किया कि सीता माता को अशोक वाटिका में रखा, उनको अपने महल में नहीं ले गया। वो उनकी मर्जी से विवाह करना चाहता था, उनकी मर्जी के बगैर नहीं, क्योंकि रावण इतना विद्वान योग्य और वो था कि उसे ये ज्ञात था कि स्त्री की मर्जी के बगैर विवाह करना या उसे अपने साथ रखना यह एक ऐसा अधर्म व पाप होगा कि मेरे सारे जीवन के जितने भी पुण्य और धर्म कार्य होंगे, जितनी शक्तियां मैंने प्राप्त की हैं, सब एक झटके में नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सीता माता का असल स्वरूप उसे पता था, ये आदिशक्ति जगत जननी का एक स्वरूप है। तो रावण इतना विद्वान तो था, लेकिन गलती उससे ये हुई कि उसका उन्होंने अपहरण किया और उनको विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत किया और दबाव डाला, तमाम प्रकार से धमकाया, अनेक प्रकार से माया रची, नकली राम बनाए, नकली राम का वेश धर के गया सब प्रकार से। लेकिन सीता माता ने तुरंत से सब माया भेद उसके पहचान लिए, खोल लिए और सीता अंतिम दम तक रजामंद नहीं हुई, तब तक कि जब तक कि प्रभु श्री राम स्वयं उन्हें मुक्त कराने नहीं पहुंचे। ये रावण का दोष था। अब यहां पर बात आती है कि राहु जो छठे घर में बैठता है शत्रु और मामा के में, यह राहु जो है बेहद आदमी को, उसकी विचारधारा को बेहद संतुलित और बड़ा ही धार्मिक और बहुत शुद्धतम विचारधारा, इतनी ज्यादा शुद्धतम विचारधारा, इतना ज्यादा शुद्ध और सरल बना देता है कि ऐसा मनुष्य इस संसार में रहने के योग्य नहीं रहता, ये मान लीजिए आप, या उसको ऐसे मनुष्य के लिए स्थान सिर्फ देव स्थल होता है या कोई मंदिर होता है। तो भगवान श्री राम को पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वो उनके आदर्शों के कारण, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण, भगवान श्री कृष्ण की कुंडलियों में और कुंडली में और भगवान श्री राम की कुंडली में एकदम विपरीतताएं हैं, दोनों कुंडली एक दूसरे से विपरीत हैं। तो इस चीज को अगर आप गौर से देखें, गौर से ध्यान दें इस बात पे,
तो आपको ये लगेगा कि दोनों कुंडलियों में राम की कुंडली कुछ अधिक समृद्ध और श्रेष्ठ लगती है, और जबकि कृष्ण की कुंडली इसके ठीक विपरीत है। इसके बाद भी कृष्ण की कुंडली अधिक बलवान है और अधिक पराक्रमी और अधिक योगों वाली है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि राहु के 12वें भाग के कारण, 6ठे भाग में जाने के कारण राम को बहुत राजनीति, कूटनीति और रणनीति के सहारे लेने पड़े, तब जाकर के वो बाली का वध कर पाए और तब जाकर के वो रावण को मार पाए, तो उसमें काफी कुछ है। अब प्रश्न यहां आता है केतु के 12वें भाव का। केतु गया हानि भाव, तो इसके कारण क्या है कि राम ने जो केतु आज व्यय भाव में बैठा, तो राम का कोई व्यय व्यय सारे खत्म कर दिए, खर्च सारे खत्म कर दिए, उनके मुकदमे या तर्क या बहस या किसी से वो सब समाप्त कर दिए। वो जहां जहां भी गए वो पूजते ही गए, उनको सम्मान ही प्राप्त होता गया, किसी ने अपमान नहीं किया उनका, हर जगह उन्हें सम्मान मिला। ये केतु की देन थी जो 12वें घर में बैठा था। दूसरा जो है, केतु 12वें घर में जब बैठता है तो उसमें एक चीज और होती है कि केतु को 12वें घर में आने पर उसे जहां मुकदमों से, चिंता से और उन सब चीजों से छुटकारा मिल जाता है, तो साथ में शनि की 7.5 साथी भी चल रही थी, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और लाल किताब के मुताबिक राहु और केतु शनि के एजेंट हैं। शनि जहां होगा, जिस चाल से चलेगा, शनि पीड़ा दे या सुख दे, ये राहु और केतु शनि का हुक्म मानते हैं, जबकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। और जैसा कि हम पिछली फिल्म में बता चुके, ये हमेशा वक्री चलते हैं, ये कभी जीवन में मार्गी नहीं होते, उल्टी चाल चलते हैं। केवल यही दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। तो केतु के 12वें भाग में आने के कारण जहां राम को कई फायदे मिले, और फायदे ये भी मिले कि रावण जैसा शत्रु भी राजनीति, कूटनीति और रणनीति के इस्तेमाल से वो मार पाए, बाली जैसे का उन्होंने वध किया, और राहु की ओर से जो उन्हें धर्म, आध्यात्म, वैचारिक शुद्धता और बिल्कुल पूर्ण मन की पवित्रता, आत्मिक पवित्रता जो प्राप्त हुई, उसके कारण उन्होंने कई जगह जैसे अहिल्या का पत्थर बना, उसका उद्धार करके पुनः नारी का स्वरूप धारण किया, और भी कई बातें हैं वो तो जब राम की कुंडली का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे तब बताएंगे। लेकिन अभी राहु और केतु की बात, तो वही केतु रावण की मौत में मददगार बना, बाली की मौत में मददगार बना, लेकिन उससे पहले राम को राजनीति, कूटनीति और रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इसमें ये महत्वपूर्ण बात है। तो सर्वप्रथम तो ये कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों की कुंडली में केतु की बड़ी उलट फेर है, राहु केतु की। केतु भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में 6ठे घर में है और राहु 12वें घर में है, और वहीं भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में राहु 6ठे घर में है तो केतु 12वें घर में है, एकदम उलट स्थिति। तो वो राम को जहां बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक आदर्श और पितृ वचन का पालन करने वाला और तमाम वो चीजें उनमें पैदा कर दी कि वो एक आदर्श स्थापित करते रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे, मर्यादाएं निर्धारित करते रहे, हर चीज की सीमा रेखा बांधते रहे, अपने सिद्धांतों में खुद ही बंध गए। उन्होंने सिद्धांतों का जो जाल बुना
वो अपने सिद्धांतों में खुद ही घिर गए। और दूसरी बात ये होती है कि जब राहु बारवा हो और केतु छठवा हो तो ऐसे व्यक्ति की ये कुंडली संकेत देती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में छठा केतु था और भगवान श्री राम की कुंडली में छठा राहु था। तो ये कुंडलियां संकेत देती हैं कि ऐसे लोगों की मृत्यु पूर्णायु पर नहीं होगी। और दूसरा, जो राहु छठवें भाव में आ जाए और केतु बारवां चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो जाता है। ये ग्रह ही दे देते हैं, ये छाया ग्रह दे देते हैं। तो राम की जो थी वो इच्छा मृत्यु थी। राम अपने आदर्शों से इतना घिर गए कि उनका जो विवाह स्थान में मकर का मंगल बैठा था तो वो सीता को उन्होंने अपने आंखों के सामने धरती में समाते हुए देखा। समाते हुए देखा तो उन्होंने जितने भी निर्णय लिए थे, सीता जो जिसने उनके लिए बहुत कष्ट पाए, वनवास भोगा, अपहरण झेला, रावण का यहाँ पे रहना पड़ा, उसके बाद अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, इतने सब कष्ट भोगने के बाद भी राम ने एक धोबी की बात पर शक करके उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती सीता मैया को, और उन्हें वापस वन में भेज दिया। तब वे जाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया, वहीं उनकी संतानों का जन्म हुआ। तो काफी कष्ट, आखिरी तक राम अपने आदर्शों के पालन के लिए, सिद्धांतों के पालन के लिए, उसूल बनाने के लिए और उसके लिए सीता को कष्ट देते रहे। तो जब सीता को उन्होंने इतना कि अंत में उन्होंने सीता को अपने साथ ना आते देख, स्वयं ही धरती में समाते हुए देखा, तब राम ने खुद की विचारधारा, उनकी खुद की विचारधारा ही उनके लिए घातक बनी। और उन्हें चूंकि इच्छा मृत्यु थी तो उन्होंने बहुत सोचा विचारा और अंत में ये पाया कि मैंने अपने आदर्शों और मर्यादाओं के बांधने, उसूलों और सिद्धांतों पर चलने के लिए मैंने खुद के साथ और अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ और भी जो उनके नज़दीकी थे, जो उनके बहुत ज़्यादा पारिवारिक संबंध थे, राम दरबार का चित्र तो आप हर जगह देखते होंगे, मैंने किसी को कोई भी आज तक लाभ नहीं दिया, सबको कष्ट ही कष्ट दिया है कि जिससे मर्यादाएं बनी रहें और सिद्धांत बने रहे, उसूल बने रहे, अध्यात्म बना रहे। तो राम की विचारधारा और सोच ही उनके लिए उनकी मृत्यु का कारण बनी। अंत में उन्होंने निर्णय ये लिया कि अब इच्छा मृत्यु समाधि ले लेना चाहिए, और वे सरयू में जाकर के उन्होंने जल समाधि ले ली। तो ये राम की जो अपूर्ण आयु थी और राम की विचारधारा ही स्वयं के लिए खतरनाक बनी, और उनकी मृत्यु में यही राहु और केतु, क्योंकि राहु छठवें घर में था और केतु बारहवें घर में था, तो ये सुनिश्चित उनकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ था पहले से ही, इनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है। राम चाहते तो विचारधारा बदल सकती थी, या सीता माता साथ होती या और साथ होते तो यह विचारधारा बदल सकती थी और वे पूर्णायु जीवन जीवन जी सकते थे। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया और राम के साथ ऐसा नहीं हुआ। उधर सीता माता छूट गई और कोई भी बचा नहीं जो अपने खास थे, तो उन्होंने काफी सोच विचार के अपना अंत में यही निर्णय लिया कि मेरे लिए आत्महत्या ही श्रेयस्कर है। आज की भाषा में उसे आत्महत्या कहेंगे,
और शास्त्रीय भाषा में उसे जल समाधि कहेंगे। बात एक ही प्रकार की लगती है दोनों में, लेकिन फर्क होता है। आत्महत्या एक नकारात्मक विचारधारा होती है और समाधि एक सकारात्मक विचारधारा होती है। तो भगवान श्री राम इतने ज्यादा भावुक और वो आध्यात्मिक दार्शनिक और धार्मिक और आदर्शवादी थे कि उन्होंने समाधि लेने का निर्णय लिया और सरयू के नदी के जाकर के उसमें उन्होंने जल समाधि ली। अब इस फिल्म का आगे का भाग और कुंडलियों का विवेचन तथा अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में हम आगे अपनी फिल्म में चर्चा करेंगे इस फिल्म के अगले भाग में, और आपको और भी कुछ बताएंगे और ग्रहों की स्थिति के बारे में बताएंगे और श्री राम और श्री कृष्ण की कुंडली का पूर्ण विवेचन करेंगे, उनका पूर्ण कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों कैसे कैसे घटनाएं घटी, और राम और कृष्ण की कुंडलियां एकदम से विपरीत होने के बाद भी श्री कृष्ण को अधिक ज्यादा पूजा और माना जाता है पूरे विश्व में, संसार में उनकी विद्वता और उनकी भगवत्ता, क्योंकि भगवान तो वो थे ही, प्रभु के अवतार थे विष्णु जी के, भगवान श्री राम भी अवतार थे, तो इन दोनों कुंडलियों में जबरदस्त अंतर है। लेकिन श्री कृष्ण अधिक बलवान हुए, अधिक प्रसिद्ध हुए, उनकी अधिक पूजा प्रचलित हुई, वे सारे संसार में पूजे जाते, सारा संसार उन पर शोध कर रहा है, श्रीमद् भगवत गीता पर पूरे विश्व में शोध चल रहा है, हर भाषा में, विश्व की हर भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया जा चुका है, और उसमें यहाँ तक कि अंग्रेजों ने तो आकर के वृंदावन में और गोवर्धन क्षेत्र मथुरा में डेरा ही डाल लिया और हरे रामा हरे कृष्णा नाम की संस्था चला दी, मंदिर भी बहुत आलीशान बनवा दिए और वो करोड़पति अरबपति लोग सब कुछ त्याग करके और वहां पर आके सिर्फ भगवान की भक्ति में और वहीं पर सदा भजन में मग्न रहते हैं और उन्हीं की पूजा उपासना अर्चना में अपना जीवन पूरा व्यतीत कर रहे हैं। पूरे विश्व भर से बहुत से पढ़े लिखे अरबपति करोड़पति सब वहां पर आकर के और वहां सन्यासी बन जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं, सब छोड़ाते हैं, सब माया मोह त्याग देते हैं और वहां आकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो हरे रामा हरे कृष्णा नाम की उनकी संस्था है, उसके कई एक मंदिर हैं मथुरा वृंदावन में और उस गोवर्धन परिक्षेत्र में तो काफी हैं, लेकिन पूरे संसार भर में उन्होंने उनकी जो संस्था है उन्होंने कई जगह बनाए, कलकत्ता में भी एक बहुत भव्य मंदिर बनवाया बंगाल में, तो वो बहुत मैं उसके बारे में मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, विश्व का सबसे महंगा मंदिर है और वो सबसे बड़ा मंदिर है जो कि हरे राम हरे कृष्णा वालों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए बनवाया है। तो आज हम जो बात कर रहे थे वो राहु के छठे घर में और केतु के बारहवें घर में होने की बात कर रहे थे जो कि भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में था। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं और कुंडली विवेचन में अन्य ग्रहों की चर्चा, अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में आगे की फिल्म में हम इसी फिल्म के अगले भाग में बात करेंगे और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कुंडली का पूर्ण विवेचन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि क्या क्यों कैसे हुआ, क्या वजह थी, ग्रह क्या कहते हैं। ज्योतिष गलत नहीं होता, केवल ज्योतिष को न जानने वाले अनाड़ी लोग ज्योतिष को बदनाम करते हैं। जो ग्रहों की चाल को नहीं समझते वो कभी संसार की चाल को नहीं समझ सकते। घाघ बड्री नाम के अनपढ़
बहुत छोटे मामूली से गांव के किसान थे, लेकिन उनका ज्योतिषीय ज्ञान इतना प्रबल था, इतना प्रचंड था कि आज पूरा मौसम विभाग भारत का घाघ भट्टरी की कहावतों पर चलता है। वहां पर वो पुस्तकें रखी गई हैं और उसकी के अनुसार ही मौसम की भविष्यवाणियां की जाती हैं। जितने भी यंत्र बनाए गए हैं मौसम की भविष्यवाणी के, सब घाघ भट्टरी की कहावतों पर बनाए गए हैं। और घाघ भट्टरी की जब बात चली है, ज्योतिष की बात चली है, ज्योतिष को बदनाम करने वालों को सबक सीखना चाहिए कि पढ़े लिखे होकर के ज्योतिष को बदनाम करते हैं। उन्हें न कुंडली का ज्ञान, न ग्रहों का ज्ञान, न किसी अन्य चीज का ज्ञान, वे सिर्फ ज्योतिष को बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए स्पष्ट और साफ संदेश है कि उन्हें घाघ भट्टरी से कुछ सीखना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास से कुछ सीखना चाहिए, जिन्होंने जब कलयुग वर्णन लिखा है तो उत्तर कांड में, तो क्या क्या भविष्यवाणियां की है उसको पढ़ना चाहिए। उन्हें वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत में कलयुग वर्णन दिया है और महाभारत ग्रंथ में जो कलयुग वर्णन आया है उसका अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणियां की, कैसे की। और ऐसे लोग न बीए थे, न एमए थे, न हायर सेकेंडरी पास थे, और न हाई स्कूल किया, न मिडिल किया, न प्राइमरी, उनके तो गुरुकुल चलते थे और वो गुरुकुल में सदाचार और वेदांगों का अध्ययन करते थे और पूरी धार्मिक शिक्षा वो पाते थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज भारत देश के अंदर में पढ़े लिखे विद्वान कहें आप कह लें, हमारी नजर में तो वो जो है सो है, वो ज्योतिष को पूर्णतः बदनाम करते हैं। जानते कुछ है नहीं, न लग्न का ज्ञान, न कुंडली का ज्ञान, न ग्रहों का ज्ञान। कौन सा ग्रह किस अंश पे होगा तो दूसरा ग्रह किस अंश पे माना जाएगा, लग्न जिस अंश पे होगी तो ग्रह की अंश क्या माना जाएगा, ये एक साइंस है, विज्ञान है, एक फिजिक्स है। फिजिक्स में एक विषय होता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में फर्क है। तो जब ये फर्क समझ में आ जाएगा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में, तब वो समझ पाएंगे। तो हमारा भाई जितने भी ज्योतिष का काम कर रहे, लगन देख रहे, कुंडली देख रहे, जो भी देख रहे हैं, उनको कम से कम ये भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स का, साइंस का और गणित का बहुत गहरा अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ज्योतिष की बात करना चाहिए, ज्योतिष में आना चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप ज्योतिष को अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपके सारे परिणाम बड़े सटीक और 100% सही निकलेंगे। सबसे बेहतर होता है जन्म कुंडली के साथ आप आदमी का हाथ भी देखिए, हस्तरेखाएं भी देखिए, सामुद्रिक शास्त्र से उसका अध्ययन करिए। जब सब चीजें मिल जाएंगी तो परिणाम 100% सटीक निकलेगा, अन्यथा आप कल्पना लोक में जिएंगे, कल्पना लोक में किसी को कोई भी बात कहेंगे और बेवकूफ बनाते रहेंगे, ज्योतिष बदनाम होता रहेगा और सब पूरा शास्त्र बदनाम होते रहेंगे। आप कृपया इसको बंद कर दें। इसी निवेदन के साथ मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपसे इस फिल्म में विदा लेता हूं, अगली फिल्म में मिलूंगा, आगे की बात कहूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम।